हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है इंडिया इंडियन ओशन कमीशन के ऑब्जर्वर के रूप में एक मेंबर बन चुका है। जानेंगे इंडियन ओशन कमीशन क्या है और इंडिया के ऑब्जर्वर बनने के बाद इंडिया को इससे क्या फायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि सभी को पता है कि धरती पर 71% के करीब वाटर है और हमारी धरती पर ओशियन की संख्या है 5, जिसमें से कि एक है पैसिफिक ओशियन, एक है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ये एक मैप है जिसमें हम इन ओशियन को देख सकते हैं। ये है हमारा आर्कटिक ओशियन, ये है साउदर्न ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन और ये है इंडियन ओशियन, जो कि हमारे इंडिया की बाउंड्री को भी टच करता है। बात करें सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है और जिसका एरिया है 7,05,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, और यह धरती पर जितना भी पानी है उसका 19.8% पानी को कवर करता है। इसकी बाउंड्री की बात करें तो यह नॉर्थ में एशिया से वेस्ट में अफ्रीका तक, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया तक और साउथ में साउदर्न ओशियन या कहें अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। एक्चुअल में इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग दो मंच या दो प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IORA भी बोलते हैं, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1995 में मॉरिसस में, लेकिन इसका जो इफेक्टिव हुआ यह हुआ था 7 मार्च 1997 में। और इस प्लेटफॉर्म की जरूरत जो थी या इसके कहें ऑब्जेक्टिव थे, वो थे जो भी हमारे इंडियन ओशियन के एरिया है, जो उससे लगे देश हैं या जिनकी सीमाएं या जिनका ट्रेड इंडियन ओशियन में होता है, उनका रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ावा देना और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के लगभग 22 मेंबर हैं, जिसमें कि एक हमारा भारत भी है। ये 22 मेंबर्स की लिस्ट है जिसमें मेंस मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, श्रीलंका, तंजानिया। तो इस तरीके से टोटल 22 मेंबर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के हैं। इसके साथ ही 9 मेंबर ऐसे हैं जो इसके डायलॉग पार्टनर हैं, यानी कि वो इसके परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन वो इसके डायलॉग पार्टनर है, जिसमें से कि एक है हमारा चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, टर्की और साउथ कोरिया। अब बात करते हैं इंडियन ओशियन कमीशन की। ये एक दूसरा मंच है जो कि इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज बनाता है या कहें इसके बाउंड्री को जो देश टच करते हैं उनके द्वारा बनाया गया एक कमीशन है और यह हाल ही में करंट अफेयर में है। तो इंडियन ओशियन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में मॉरिसस में, और इसको जो इफेक्टिव करा गया था वो करा गया था विक्टोरिया एग्रीमेंट के अंतर्गत 1984 में सेशल्स में। अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि लगभग हमारी फिशिंग, एग्रीकल्चर और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्वेशन की बात आई थी, और था स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी, कोऑपरेशन इन कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल, एजुकेशन एंड जुडिशियल फील्ड। यानी कि जो जो मेंबर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं उनके बीच में साइंटिफिक, टेक्निकल, एजुकेशनल, यानी कि इनका आदान प्रदान करना,
एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। इंडियन ओशन कमीशन को बनाया था जो अफ्रीकन देश हैं जो कि इंडियन ओशन की बाउंड्री को टच करते हैं। ऐसे ये देश हैं जो हैं पांच, ये पांच देश ऐसे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना कर दी, जिनमें से एक है कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन। रीयूनियन एक्चुअल में फ्रांस की एक टेरिटरी है और एक है सेशेल्स। आप ये देख सकते हैं यह है अफ्रीका महाद्वीप, और वो जो देश हैं जिन्होंने इंडियन ओशियन कमीशन को इस्टेब्लिश कराता हुई है, यह है सेशेल्स, यह है कॉमोरोस, यह है मेडागास्कर, यह है मॉरिशस और यह है रीयूनियन, और यह है हमारा इंडियन ओशियन। अभी हाल ही में इंडिया को जो एक सफलता मिली है वो ये है कि इंडिया 6 मार्च 2020 को इंडियन ओशन कमीशन का 5th ऑब्जर्वर मेंबर बन चुका है। इससे पहले भी इस कमीशन के 4 ऑब्जर्वर मेंबर थे, जो थे माल्टा, चाइना, यूरोपियन यूनियन और ओआईएफ। ओआईएफ मीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोन। इसका मतलब है ये ऐसे देशों का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया के लिए इस ऑब्जर्वर स्टेट बनने का क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया के लिए यह है कि इंडिया अब जो अपने प्लान्स हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो प्लान है, उसको वेस्टर्न इंडियन ओशियन तक फैला सकता है, और अफ्रीका के जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं वहाँ तक अपने ट्रेड को बढ़ा सकता है, अपने पॉलिटिकल जो एरिया हैं उसमें अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत कर सकता है, और साथ ही जो कि चाइनीज जहाँ पर ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी है, अपनी भी प्रेजेंस को वहाँ पर दर्ज करा सकता है। इंडिया इन देशों में अपने प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है और इनके साथ अपने बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशन को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही इंडिया की जो पॉलिसी है एक सागर पॉलिसी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एक्चुअल में इंडिया इस कमीशन में आने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, और सबसे ज़्यादा जो इनके प्रयास थे वो 2 साल हुए हैं। इन 2 साल में इंडिया ने बहुत सारी विजिट करी और बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट करे इन 5 कंट्रीज के साथ। इसी को देखते हुए इस कमीशन ने इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दे दिया है, और साथ ही इस स्टेट के बनने से इंडिया अब अपने देश की इकोनॉमी को और ट्रेड को साउदर्न ओशियन तक फैला सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, साथ ही बाकी करंट वीडियो देखने के लिए आप जो मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर दूसरे करंट अफेयर वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।